वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है, उसका वॉल्यूम है 25 ml, इसका टाइट्रेशन किए है HCl से, जिसका कंसंट्रेशन है 0.1 capital m। देखो टाइट्रेशन में क्या होता है, अपने पास यहाँ बेस है तो ऊपर से हम लोग एसिड ऐड करते हैं, अगर नीचे एसिड होगा तो ऊपर से बेस ऐड करेंगे। तो इस केस में नीचे बेस से ऊपर से एसिड ऐड करेंगे, ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, और जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, जिस पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन होता है उस समय कितना एसिड ऐड किया गया है, दैट विल बी नोन एज टाइटर वैल्यू, दैट विल बी नोन एज टाइट्रे वैल्यू। सो क्वेश्चन में बोला है टाइट्रे वैल्यू इज 35 ml, कितना है 35 ml। इसका मतलब ये होता है एसिड ऊपर से इस केस में 35 ml ऐड करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है इसका मोलारिटी क्या है, इस सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या है। सो देखो हम लोग क्या करते हैं, एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन में फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ एसिड पता है 35 ml, तो क्या क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ एसिड इज 35 ml, वॉल्यूम ऑफ बेस कितना है 25 ml, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इज नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इनटू मोलारिटी, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन HCl में 1 है, मोलारिटी 0.1 है, ठीक है। तो इसका नॉर्मैलिटी वही आ जाता है क्योंकि मोनोबेसिक है, ठीक है। इसका नॉर्मैलिटी ऑफ बेस तो निकालेंगे अभी, ठीक है, तब ये प्लेस कर देते हैं। सो नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इज 0.1 × 35 इक्वल टू नॉर्मैलिटी ऑफ बेस नहीं पता × 25, हो गया। सो नॉर्मैलिटी ऑफ बेस कितना आएगा 3.5 / 25। बट क्वेश्चन हम लोगों से नॉर्मैलिटी ऑफ बेस नहीं पूछा, मोलारिटी ऑफ बेस पूछा है। सो देखो नॉर्मैलिटी ऑफ दिस बेस विल बी नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH-। सो देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू 2 OH-। सो नॉर्मैलिटी इज n फैक्टर, दैट इज नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH-, n फैक्टर मतलब 2, इनटू मोलारिटी ऑफ बेस। तो अब ये नॉर्मैलिटी तो हम लोग को पता है बेस का, अभी निकाले तो 3.5 और ये 25 है, सॉरी 3.5 / 25 इज इक्वल टू 2 × मोलारिटी ऑफ बेस। अब सॉल्व करना रह गया, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। सो 3.5/50 आ रहा मेरा, आप करके देखिए, ये आएगा 0.07 capital m। सो मोलारिटी ऑफ बेस इज 0.07 capital m, ठीक है। थैंक यू।